हेलो एवरीवन, दिस इज प्रेम पांडे। वेलकम बैक टू फेवरेट यूट्यूब चैनल एजुकेशनल हाइक। तो यार, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपका जो दोनों बचे हुए पार्ट्स हैं चैप्टर नंबर 9 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के, मैं वो आज ही कवर करूंगा। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर के ऑलरेडी मैं दो पार्ट्स अपलोड कर चुका हूँ, पार्ट 1 पार्ट 2, और ये पर्टिकुलर वीडियो पार्ट 3 है। अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 को नहीं देखा है यार, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, सिंपली क्लिक करके देख सकते हो। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो बेल आइकन को प्रेस करके हमारे नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो और रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारे चैनल से आप जुड़ सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को। अब सबसे पहले हम ये बता दें आपको कि जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है, हमने उसमें पढ़ा था कि ये टेस्ट ट्यूब बेबीज क्या होते हैं, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जाइगोट क्या होता है, ये सारी चीजें हमने पार्ट 1 पार्ट 2 में पढ़ लिया है। अब ये पर्टिकुलर पार्ट हम यहां से स्टार्ट करेंगे कि जब हमने पढ़ लिया कि मेल रिप्रोडक्टिव क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है, अब हमें यह जानना है कि हाउ कुड अ सेल बिकम सच अ बिग इंडिविजुअल। हम जानते हैं जो स्पर्म होता है, ठीक है, या हमारा ओवम हो गया, ये एक सिंगल सेल ही तो है ना, लेकिन कैसे ये सिंगल सेल आगे चलकर एक बच्चे, एक बेबी में कैसे कन्वर्ट हो जाता है, ये बूझो जानना आता है। और बूझो को हम इस पार्ट में यही आंसर करेंगे कि कैसे स्पर्म सेल, कैसे ओवम सेल मिलके एक इंडिविजुअल बना देते हैं जो 9 महीने बाद एक बच्चा बनकर पैदा होता है। ये पूरा प्रोसेस क्या होता है, इस 9 महीने के बीच में क्या क्या चीजें होती हैं, ये सारी चीजें हम इस पर्टिकुलर वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो। अगर एम्ब्रियो का मतलब नहीं पता है तो मैं बता दूं कि भ्रूण, हिंदी में इसे भ्रूण कहते हैं। आप अगर कहीं अल्ट्रासाउंड कराने जाओ और वहां पर कहते हैं ना कि भ्रूण हत्या पाप है, दैट मींस कि अगर बच्चा पेट में है तो उसे मारना क्या है, गलत बात है। तो शुरुआती स्टेज जो होता है, जो जाइगोट के बाद जो इंसान का एक ढांचा बनना शुरू होता है, उसी को हम एम्ब्रियो कहते हैं। आप देख पा रहे हो ये फिगर, दैट इज एम्ब्रियो। हम इस पर्टिकुलर टॉपिक में पढ़ेंगे कि एम्ब्रियो डेवलप कैसे करता है मां के पेट के अंदर, ठीक है। फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट व्हिच बिगिंस टू डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो। हम जानते हैं जब मेल स्पर्म और फीमेल ओवम मिलता है तो फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। अब जब फर्टिलाइजेशन हो गया, ये स्पर्म और ओवम मिलके जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट क्या होता है, ये एक ऐसा केमिकल होता है जिससे इंसान की बेबी हो या किसी भी एनिमल्स की बेबी हो, वो जाइगोट से ही डेवलप होना स्टार्ट होती है। दैट मींस कि जो सबसे छोटा रिक्वायर्ड यूनिट चाहिए एक बच्चे को डेवलप होने के लिए, वो है जाइगोट। समझ पा रहे हो, स्पर्म मिला, ओवम मिला और क्या बना दिया, जाइगोट बना दिया। तो यही यहां पर लिखा गया है कि जो फर्टिलाइजेशन की वजह से जो जाइगोट बनता है, विच बिगिंस टू डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो, ये जाइगोट धीरे 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 एम्ब्रियो में कन्वर्ट होने लगता है, इंसान के ढांचे में कन्वर्ट होने लगता है। कैसे कन्वर्ट होता है, द जाइगोट डिवाइड्स रैपिडली टू गिव राइज टू अ बॉल ऑफ सेल्स। अब देख पा रहे हो यहां पर फिगर से, आराम से समझ लो कि ये जो जाइगोट है ये धीरे धीरे डिवाइड होता जाता है। देखो यहां पर 1 है, 2 हो गया, 2 से 4 हो गए, 4 से बहुत सारे हो गए। तो वही यहां पर कह रहा है कि जो जाइगोट है वो बार बार डिवाइड होता है और बॉल ऑफ सेल्स बना लेता है, मतलब सेल के कई गोले गोले यूनिट्स बना लेता है। द सेल, उसके बाद ये जो सेल्स हैं, ये जो बॉल ऑफ सेल्स हैं, देन बिगिन टू फॉर्म ग्रुप्स। ये धीरे धीरे क्या बनाने लगती हैं, गुच्छा बनाने लगती हैं। आप देख पा रहे हो यहां पर, ये जो पर्टिकुलर फिगर दिख रहा है आपको, यहां पर क्या है, यहां पर बॉल्स के गुच्छे बन गए हैं ना। तो ये धीरे धीरे ये गुच्छे क्या होते हैं, टिश्यूज में कन्वर्ट होते हैं। अब ये टिश्यूज धीरे धीरे ऑर्गन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, मतलब बेबी के अलग अलग अंग बनने चालू हो जाते हैं। दिस डेवलपिंग स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एन एम्ब्रियो। इंसान का वो ढांचा जिस ढांचे में, जिस स्ट्रक्चर में इंसानी बच्चा डेवलप हो रहा होता है, उसके कान, उसके नाक, उसके हाथ, उसके पैर बन रहे होते हैं, उस स्टेज को हम एम्ब्रियो कहते हैं। अब समझ में आया व्हाट इज एम्ब्रियो। आगे चल
चलते हैं, द एम्ब्रियो गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द यूटेरस फॉर फर्दर डेवलपमेंट। अब ये जो एम्ब्रियो है आप देख पा रहे हो यहां पर, ये वाली जो फिगर है दिस वन, ठीक है, इसमें क्या है आप देख पा रहे हो, ये जो एम्ब्रियो है, ये दिस इज एम्ब्रियो, ठीक है, ये एम्ब्रियो, ये यूटेरस का जो वॉल है, दिस इज वॉल ऑफ यूटेरस, इसमें जाके एम्बेड हो जाता है, मतलब चिपक जाता है, समझ में आया। द एम्ब्रियो गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल, अब ये जो एम्ब्रियो है ये धीरे धीरे जाके इस यूटेरस के वॉल में चिपक जाता है, एंड फॉर फर्दर डेवलपमेंट, और बची हुई जितनी भी डेवलपमेंट होती है अगले 9 महीने तक वो इसी दीवाल में सटा हुआ रहता है एम्ब्रियो, और यही दीवाल में लग कर ही इसके हाथ पैर कान नाक ये सारी चीजें बनती हैं। द एम्ब्रियो कंटिन्यूस टू डेवलप इन द यूटेरस, इट ग्रेजुअली डेवलप्स बॉडी ऑफ बॉडी पार्ट्स सच एज हैंड्स लेग्स हेड आईज ईयर्स एक्सेट्रा। मैंने कहा ना कि ये जो एम्ब्रियो है ये यूटेरस में जाकर यूटेरस की दीवार पर जाके एम्बेड हो जाता है, चिपक जाता है, और इंसानी बच्चे के जो बाकी अंग होते हैं जैसे हमारे हाथ हो गई लेग्स हो गया, हेड हो गया, आईज आंखें हो गई, ईयर्स हो गया, ये सारी चीजें यहीं पर बनती हैं। अब ये जाइगोट कहीं पर भी नहीं जाता, यहीं दीवाल से चिपका रहता है जब तक ये पूरा फुल्ली डेवलप्ड बेबी नहीं बन जाता। द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड अ फोइटस। फोइटस उस स्टेज को कहते हैं जब बच्चे के बॉडी पार्ट्स विजिबल होते हैं, जब बच्चे के बॉडी पार्ट्स आसानी से आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं, उस स्टेज ऑफ लाइफ को हम फोइटस कहते हैं। फोइटस समझ में आया। द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो, जैसे जैसे एम्ब्रियो डेवलप होता जाता है तो जो हाथ कान नाक पैर ये सारी चीजें दिखने लगती हैं। अब ये जो स्टेज ऑफ लाइफ है जिसमें सारे बॉडी पार्ट्स विजिबल हैं, इस स्टेज ऑफ लाइफ को हम फोइटस कहते हैं। समझ में आया। जो सबसे पहला है वो क्या है, जाइगोट है। फिर जाइगोट धीरे धीरे क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो क्या बनता है, फिर आगे चलकर फोइटस बनता है। व्हेन द डेवलपमेंट ऑफ द फोइटस इज कंप्लीट, और जब ये फोइटस पूरा बनकर तैयार हो जाता है, जब इंसानी बच्चा पूरा बनकर तैयार हो जाता है, आप देख पा रहे हो, उसके बाद द मदर गिव्स बर्थ टू द बेबी। उसके बाद अगले 9 महीने जब पूरे हो जाते हैं और जब बच्चे का पूरा डेवलपमेंट हो जाता है मां के पेट के अंदर, तब उसका जन्म होता है। समझ में आया। अब यहां पर देख पा रहे हो आप यूटेरस की ये जो वॉल है, इस वॉल में बच्चा लगा हुआ है। आप जानते हो ये जो रेड कलर की पाइप होती है, अगर आपने कभी बच्चे को बर्थ होते हुए देखा है तो इस पाइप को डॉक्टर्स काटते हैं कैची लेकर, ठीक है, तो क्यों, क्योंकि ये इस दीवाल से, ये जो यूटेरस की दीवाल होती है इससे चिपकी हुई होती है, इसलिए ये क्या करना पड़ता है, काटना पड़ता है। आगे चलते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन हेंस ऑल्सो। अब हमने बताया था आपको कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होते हैं और इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होता है, जब बच्चा मां के पेट में पलता है उसे हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जब बच्चा मां के पेट के बाहर पलता है, जैसे ऐसे मेढक के जो बच्चे होते हैं वो सीधा क्या होते हैं, अंडे में ही पलते हैं, अंडा वो बाहर निकाल देते हैं अपने शरीर के और उनके पूरे बॉडी की डेवलपमेंट उस अंडे में ही होती है, उसको हम एक्सटर्नल डेवलपमेंट कहते हैं, उसको हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ऐसा फर्टिलाइजेशन जो मां के पेट के बाहर हो उसे हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन हेंस ऑल्सो। हम जानते हैं कि मुर्गियों के अंदर भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, जैसे हम इंसानों के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, फिसेस हमारी जो काउस जो गाय हो गए, कुत्ते हो गए, इन सबके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और ये डायरेक्ट अपने बच्चे को जन्म देते हैं। बट डू हेंस गिव बर्थ टू बेबीज लाइक ह्यूमन बींग्स एंड काउस। लेकिन मुर्गियां इंटरनल फर्टिलाइजेशन तो करती हैं, लेकिन ये इंसानों की तरह और गायों की तरह सीधा बच्चा पैदा नहीं करती, ये अंडे देती हैं। यू नो दैट दे डू नॉट। आप जानते हो कि वो सीधा बच्चा पैदा नहीं करती, वो अंडे देती हैं। देन हाउ आर चिक्स बॉर्न। अब उन अंडों में से वो चिक्स, वो मुर्गी के बच्चे निकलते कैसे हैं, चलिए
लेटेस्ट फाइंड आउट, चलिए इसे हम पता करते हैं। आगे देखते हैं, सून आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जैसे ही हेन और कॉक, मुर्गा और मुर्गी का फर्टिलाइजेशन होता है, द जाइगोट डिवाइड्स, और जो जाइगोट बनता है, हम जानते हैं कि जैसे ही किसी भी एनिमल का फर्टिलाइजेशन होता है तुरंत जाइगोट बनता है, और वैसे ही जैसे ही मुर्गी और मुर्गे क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, तो उनका जो जाइगोट बनता है डिवाइड्स रैपिडली एंड ट्रेवल्स डाउन द ओविडक्ट। ये जाइगोट बार बार क्या होता रहता है, डिवाइड होता रहता है, विभाजित होता रहता है, और जो हेंस जो मुर्गियों के ओविडक्ट होते हैं, ओविडक्ट मतलब पता है आपको, मैंने आपको बताया था जब मैं आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको ओविडक्ट बताया था कि ओविडक्ट होते क्या है। दिस इज ओविडक्ट, ये पाइप दिख रही है आपको, जो ओवरी से लेके यूटेरस के बीच में ये जो पाइप है, इसी को हम ओविडक्ट कहते हैं। ये इंसान का ओविडक्ट है, मुर्गियों का भी जो ओविडक्ट होता है उनका भी यही काम होता है कि वो क्या करते हैं, जाइगोट को ट्रेवल करते हैं। तो ये यही पर, यहां पर यही कहा जा रहा है कि लेट्स सी, सून आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जैसे ही मुर्गा और मुर्गियों के बीच में फर्टिलाइजेशन होता है, जो उनका जाइगोट होता है डिवाइड्स रैपिडली, वो बार बार विभाजित होता है एंड ट्रेवल्स डाउन द ओविडक्ट, और वो जो पाइप होती है उस पाइप में ट्रेवल करता है। एज इट ट्रेवल्स डाउन, जैसे जैसे ये जाइगोट ट्रेवल करता है, मेनी प्रोटेक्टिव लेयर्स आर फॉर्म्ड अराउंड इट, कई रक्षात्मक परत इस जाइगोट को घेर लेते हैं, जो मुर्गी और मुर्गियों का जाइगोट होता है। जैसे जैसे ये ओविडक्ट में ट्रैवल करता है, यात्रा करता है, जैसे जैसे ये ओविडक्ट में, तो जाइगोट को कई प्रोटेक्टिव लेयर्स, कई सुरक्षात्मक परत इसको घेर लेते हैं, ठीक है। द हार्ड सेल दैट यू सी इन अ हेंस एग इज वन सच प्रोटेक्टिव लेयर। आप जानते हो मुर्गियां जो अंडे देती हैं, उन अंडों में एक ऊपर परत लगी रहती है, वो थोड़ी सी कड़ी होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, आउटर शेल कहते हैं ना, उसको हम फोड़ते हैं तभी तो अंडे काट के हम खाते हैं। तो वो जो आउटर लेयर होता है वो भी इन्हीं सुरक्षात्मक परत में से एक होता है, जो जाइगोट के अगल बगल बन जाता है। समझ में आया, आगे चलते हैं। आफ्टर द हार्ड शेल इज फॉर्म्ड अराउंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो, जैसे ही जो ये एम्ब्रियो है, ये जाइगोट जैसे जैसे डेवलप होता है और एम्ब्रियो बनता है, तो ये जो सेल, ये जो हार्ड शेल है, ये अंडे के किनारे किनारे बन जाता है, और जैसे ही ये हार्ड शेल बन के कंप्लीट होता है, द हेन फाइनली लेज द एग, ये मुर्गियां क्या करती हैं, तब अंडे दे देती हैं। द एम्ब्रियो टेक्स अबाउट 3 weeks टू डेवलप इनटू अ चिक। अब जैसे ही मुर्गियां अंडे बाहर निकालती हैं, तो ये जो एम्ब्रियो है ये लगभग 3 हफ्ते तक डेवलप होता है, और डेवलप होके चिक बनाता है। चिक इज द यंग वन ऑफ हेंस एंड कॉक, हेंस के यंग वन को हम क्या कहते हैं, चिक कहते हैं, ठीक है। तो ये 3 हफ्ते बाद, मतलब मुर्गियां जब अंडे देती हैं, अंडे देने के 3 हफ्ते बाद चिकन पूरी तरीके, जो चिक होता है वो पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है। यू मस्ट हैव सीन द हेन सिटिंग ऑन द एग्स, तुमने देखा होगा जो मुर्गियां होती हैं वो अपने अंडों पर बैठती हैं। क्यों बैठती हैं, टू प्रोवाइड सफिशियंट वार्म्थ, ताकि वो पर्याप्त गर्मी उस अंडों को दे सकें, और अंडे के अंदर जो जीव है उनका, जो चिक है, वो अच्छे से डेवलप हो सके, ठीक है। डिड यू नो दैट डेवलपमेंट ऑफ द चिक टेक्स प्लेस इनसाइड द एग सेल ड्यूरिंग दिस पीरियड, क्या आपको पता है ये जो 3 हफ्ते का समय होता है, इस 3 हफ्ते के पीरियड में जो मुर्गियां अंडे दी होती हैं, अंडों के अंदर जो चिक होते हैं वो फुल्ली डेवलप होते हैं इस 3 महीने के पीरियड में। आफ्टर द चिक इज कंप्लीटली डेवलप्ड, और जब ये 3 हफ्ते का, ये जो 3 महीने का नहीं, एक्चुअली 3 हफ्ते का जब ये पीरियड, जब ये समय पूरा हो जाता है, तो ये मुर्गियां अंडे फोड़कर बाहर निकल जाती हैं। जैसे फटा पोस्टर निकला हीरो, वैसे ही मुर्गियां अंडे तोड़कर बाहर निकल जाती हैं, जिसे हम मुर्गी का बच्चा कहने लग जाते हैं। अब आगे देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वो फर्टिलाइजेशन होता है जिसमें बच्चे का जो पालन पोषण होता है, जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है, वो मां के पेट के बाहर होता है। इन एनिमल्स विच अंडरगो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, वो जानवर जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं, जैसे फ्रॉक्स हो गया, फिशेज हो गई, डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी। इन एनिमल्स में जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो का मतलब मैंने बताया था ना, जो बच्चा धीरे धीरे
अपना हाथ पैर नाक कान ये जब डेवलप करने लगता है इस स्टेज को हम एम्ब्रियो कहते हैं। ठीक है, तो जैसे ही एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करने वाले जानवरों में जैसे जैसे एम्ब्रियो डेवलप करता है, ये एम्ब्रियो कहां डेवलप करता है? आउटसाइड द फीमेल बॉडी, ये फीमेल बॉडी के बाहर डेवलप करता है। जो जैसे जो फ्रॉग्स हो गई, जो फ्रीसेस हो गई, हमने इसके पहले वाले पार्ट में पढ़ा था जो फ्रॉग्स के अंडे होते हैं वो कैसे होते हैं, तो ऐसे ही जो फ्रॉग्स और जो फ्रीसेस होती हैं वो अंडे देती हैं और अंडे में ही इनके बच्चों का पूरा जो डेवलपमेंट होता है बॉडी ऑर्गन्स का वो होता है। द एम्ब्रियोस कॉन्टिन्यू टू ग्रो विद इन देयर एग कवरिंग्स, वही मैंने बताया कि ये जो एम्ब्रियोज हैं ये धीरे धीरे अंडे के अंदर ही डेवलप होती हैं, विकसित होती हैं। आफ्टर द एम्ब्रियोज डेवलप, और जब ये एम्ब्रियो बन के तैयार हो जाता है तब अंडे क्या होते हैं? हैच कर जाते हैं, मतलब अंडों में से बच्चे निकल जाते हैं। यू मस्ट हैव सीन न्यूमरस टैडपोल्स स्विमिंग इन पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम्स, तुमने देखा होगा कि तालाब में चले जाओ या नदियों में चले जाओ तो बहुत छोटे छोटे जानवर दिखते हैं, उसको हम टैडपोल्स कहते हैं। आपने देखा ही होगा, कहीं ये फिगर देख पा रहे हो, ये सारे क्या है? टैडपोल्स हैं, ये सारे फ्रॉक्स के बच्चे हैं, फ्रॉक्स के यंग वंस हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है विविपोरस एंड ओविपोरस एनिमल्स। सो व्हाट इज विविपोरस एंड व्हाट इज ओविपोरस एनिमल्स, हम इस पर्टिकुलर टॉपिक में जानते हैं। वी हैव लर्न दैट सम एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस व्हाइल सम एनिमल्स लेज एग। हमने अब तक क्या जाना? हमने ये देखा कि कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो यंग वंस मतलब डायरेक्ट बच्चे पैदा कर देते हैं, जैसे हम इंसान, और वहीं पर कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो अंडे देते हैं, जैसे हमारा फ्रॉक्स हो गया, हमारे फिशेस हो गए, हमारे हेंस हो गए, विच लेटर डेवलप इनटू यंग वन। अब ये अंडा हो चाहे एम्ब्रियो हो, वो आगे चलकर एक कंप्लीट फुल बेबी बन जाता है, चाहे वो इंसान का बच्चा हो, चाहे वो किसी जानवर का बच्चा हो, चाहे वो मछली का बच्चा हो, चाहे वो फ्रॉक का बच्चा हो, किसी का भी हो। ठीक है, द एनिमल विच गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड विविपोरस एनिमल्स। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह कही गई है कि वो जानवर जो डायरेक्ट बच्चे पैदा करते हैं दैट गिव बर्थ टू यंग वंस, जैसे ह्यूमन बींग्स हो गए, जैसे काउज हो गया, जैसे हमारे डॉग्स हो गए, इन जानवरों को हम विविपोरस एनिमल्स कहते हैं। गॉट इट? दोज एनिमल्स विच ले एग्स आर कॉल्ड ओविपोरस एनिमल्स। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह कही गई है कि ऐसे जानवर जो अंडे देते हैं और उन अंडों में से बच्चे पैदा होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम ओविपोरस एनिमल्स कहते हैं। गॉट इट? द फॉलोइंग एक्टिविटी विल हेल्प यू अंडरस्टैंड बेटर एंड डिफरेंशिएट बिटवीन विविपोरस एंड ओविपोरस एनिमल्स। आई होप कि आपको विविपोरस और एनिमल और ओविपोरस में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आप कोई पूछे विविपोरस एनिमल्स क्या होते हैं, तो विविपोरस वो होते हैं जो बच्चे देते हैं, विवि बच्चे पैदा करना, ओवी जो एग को देते हूं, समझ आया? विविपोरस जो बच्चे पैदा करते हैं, ओविपोरस जो एग्स देते हैं, समझ में आया? अब आगे चलते हैं। इस एक्टिविटी को करने का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि इस एक्टिविटी से हम बस इतना जान पाएंगे कि विविपोरस क्या होते हैं और ओविपोरस क्या होते हैं, जो हमने ऑलरेडी जान लिया है, तो इस एक्टिविटी को करने का कोई फायदा है नहीं। आप वैसे भी कर लेना, कोई डाउट हो तो मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना। आगे चलते हैं। द एग्स ऑफ अ फ्यू एनिमल्स आर इजी टू ऑब्जर्व, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनके अंडों को ऑब्जर्व कर पाना मतलब देख पाना बहुत आसान होता है, बिकॉज देयर मदर्स ले देम आउटसाइड देयर बॉडीज, क्योंकि इन अंडे ये जो अंडे हैं, इन अंडों को जो जानवर देते हैं वो अपने शरीर से बाहर इन अंडों को निकाल देते हैं और फिर हम इसे इजिली इन अंडों को देख पाते हैं, जैसे मुर्गी के अंडे हो गए, ऑस्ट्रिच के अंडे हो गए, कई सारे लगभग कई सारे जानवरों के अंडे ऐसे होते हैं जिनको हम ऐसे नेकेड आई से खुली आंखों से देख सकते हैं। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ ओविपोरस एनिमल्स। अब ये जो एनिमल्स होते हैं जो अंडे देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम ओविपोरस एनिमल्स कहते हैं, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। बट यू वुड नॉट एबल टू कलेक्ट द एग्स ऑफ अ डॉग काउ आर अ कैट, लेकिन क्या तुमने कभी गाय के या बिल्लियों के या कुत्तों के अंडों को देखा है क्या? जब अंडे ये देते ही नहीं है तो तुमने देखा कहां से होगा? दिस इज बिकॉज दे डू नॉट ले एग्स। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो जानवर हैं डॉग काउ और
कैट, ये अंडे नहीं देते हैं इसलिए हम इनके अंडों को नहीं देख पाते हैं। द मदर गिव्स बर्थ टू द यंग वंस, इन जानवरों की जो माँ होती है ये सीधा बच्चे को जन्म देती है, ये अंडे नहीं देती है। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ विविपैरोस एनिमल्स, अब ये जो जानवर है ये सारे जानवर विविपैरोस एनिमल्स कहलाते हैं। कैन यू नाउ गिव सम मोर एग्जाम्पल ऑफ विविपोरस एंड ओविपैरोस एनिमल्स, अब क्या आप विविपैरोस और ओविपैरोस एनिमल्स के कुछ और एग्जाम्पल्स दे सकते हो? फिर से जान लो, विविपैरोस एनिमल्स वो होते हैं जो डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं, जैसे हमारा कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, गाय हो गया, शेर हो गया, टाइगर हो गया, कुछ भी हो गया। ओविपैरोस एनिमल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अंडों को जन्म देते हैं, जैसे मुर्गी हो गई हमारे, फिशेज हो गए हमारे, फ्रॉक्स हो गए, ऑस्ट्रिचेस हो गई, ये सारे एनिमल्स हमारे ओविपैरोस एनिमल्स कहलाते हैं। तो आई होप आपको ये पर्टिकुलर पार्ट वीडियो का समझ में आया होगा अच्छे से, और अगर आपको वीडियो समझ में आए यार तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फोर्थ पार्ट हम जल्द ही आज ही आपके लिए लेके आएंगे, तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद।